पहला सवाल है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? आपका ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा डी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए रावतभाटा, बी पोखरण, सी सुतरगढ़, डी चित्तौड़गढ़। आपका सही जवाब होगा ए रावतभाटा। आपका अगला सवाल है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन ए वाट, बी जूल, सी केल्विन, डी कैलोरी। आपका सही जवाब होगा सी केल्विन। आपका अगला सवाल है, मनुष्य का बाहरी कान मुख्य रूप से किससे बना होता है? आपका ऑप्शन ए अस्थियां, बी उपास्थियां, सी मांसपेशियां, डी कोमल मांसपेशियों। आपका सही जवाब होगा बी उपास्थियों। आपका अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए दिल्ली में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में, डी तिरुवनंतपुरम। आपका सही जवाब होगा डी तिरुवनंतपुरम। आपका अगला सवाल है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन ए संयामता, बी पृष्ठीय तनाव, सी गुरुत्वीय बल, डी बॉयल का नियम। आपका सही जवाब होगा बी पृष्ठीय तनाव। आपका अगला सवाल है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1934 को, बी 1 अप्रैल 1935 को, सी 1 जुलाई 1935 को, डी 1 जुलाई 1936 को। आपका सही जवाब होगा बी 1 अप्रैल 1935 को। आपका अगला सवाल है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए पूयन, बी किण्वन, सी साबुनीकरण, डी एष्टीकरण। आपका सही जवाब होगा बी किण्वन। आपका अगला सवाल है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी मनमोहन सिंह, सी उर्जित पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए रघुराम राजन। आपका अगला सवाल है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा, डी सोडियम। आपका सही जवाब होगा डी सोडियम। आपका अगला सवाल है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन ए प्लैंक, बी न्यूटन, सी फेराडे, डी आइंस्टाइन। आपका सही जवाब होगा ए प्लैंक। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं? आपका ऑप्शन ए जीन, बी युग्मक, सी जर्म कोशिका, डी अनुवांशिकी। आपका सही जवाब होगा ये जीन। आपका अगला सवाल है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। आपका ऑप्शन ए रेशे, बी हड्डी, सी कोशिका, डी मांसपेशियां। आपका सही जवाब होगा बी हड्डी। आपका अगला सवाल है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है?
आपका ऑप्शन ए खंभा, बी छेद, सी फोकस, डी मुख धुरी। आपका सही जवाब होगा बी छेद। आपका अगला सवाल है, अगस्त को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए शिक्षक दिवस, बी योग दिवस, सी बालिका दिवस, डी हिरोशिमा दिवस। आपका सही जवाब होगा डी हिरोशिमा दिवस। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक, बी दिनेश मोंगिया, सी सुरेश रैना, डी राहुल द्रविड़। आपका सही जवाब होगा सी सुरेश रैना। आपका अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन ए फ्रांस, बी यूक्रेन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। आपका सही जवाब होगा डी दक्षिण कोरिया। आपका अगला सवाल है, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी रामनाथ कोविंद। आपका सही जवाब होगा सी नरेंद्र मोदी। आपका अगला सवाल है, झांसी की रानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, बी सरोजनी नायडू, सी भगवती चरण वर्मा, डी वृंदावन लाल वर्मा। आपका सही जवाब होगा डी वृंदावन लाल वर्मा। अब ये अगला सवाल आपके लिए, आप सब लोग इस सवाल का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? आपका ऑप्शन ए महमूद गोरी, बी महमूद गजनबी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी महमूद बिन कासिम। आप लोग इस सवाल का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।